को बेवकूफों का फोन क्यों उठा रहे थे? मतलब अरे मैं भाई तो क्यों अभी दोस्तों के साथ था, बताया तो तुम्हें यार फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, थोड़ा सा इज्जत रख लो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कॉमन सेंस होना चाहिए ना यार। यहाँ पे मैं धूप में खड़ी हुई हूँ यार, मैं कितनी। हेलो आवाज आ रही है मेरी? राहुल मैं रिया बोल रही हूँ। रिया गौर जो इंस्टाग्राम पे मैं तुमसे बात हो रही है अभी एक दो हफ्ते से। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ब्लॉग बना रही हूँ, ये सब चीजें दिखाऊंगी। हाँ तो मैं, मेरी ऑडियंस को सब पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उनको पता है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ आज, और उनको ये भी पता चल गया। सो हे गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइज, और सबसे पहले व्लॉग में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं सभी को वापस से बोलना चाहूंगी गाइज हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे जितने छोटे छोटे भाई हैं बहन हैं सभी को, जिनकी बहनें नहीं है जिनके भाई नहीं है सभी को मेरी तरफ से दिल से हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन गाइज। आई होप कि आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया और सबने बहुत सारे मोटे मोटे पैसे कमाए हो। सो गाइज आज एक बहुत ही प्यारी सी एक अच्छी सी गुड न्यूज देने वाली हूँ आप लोग को। मैं वैसे घर पे रहती हूँ ज्यादातर, और आज मैं जा रही हूँ बहुत दिन बाद बाहर, और देखो इतनी धूप में, और इतनी धूप में अगर मैं बाहर जाएं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ बहुत घंटों बाद, बहुत दिनों बाद, बहुत ही महीनों बाद डेट पे। हाँ गाइज वही रिया दीदी डेट पे जा रही है, एक मेरा फ्रेंड है गाइज उसके साथ में मैंने एक दो वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग ज्यादातर एक दो बार मिले हैं, तो जहाँ तक है कि वीडियोस के लिए मिले हैं, ठीक है। और अभी उसके मेरी ऑलमोस्ट एक दो हफ्ते से ना मेरी इंस्टाग्राम पे बात हो रही है, और मैं आज उससे मिलने जा रही हूँ फाइनली बहुत दिनों बाद गाइज। नहीं तो यार घर पे पड़ी रहती हूँ मैं, क्या ही चल रहा है मेरी जिंदगी में। तो चलो उसको फोन लगा लेते हैं कि वो है कहाँ पे अभी। पहली बात तो उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे नंबर शेयर किया था, पता नहीं उसका सेव होगा या नहीं होगा। लगा उठा ले वरना चोट हो जाएगी मेरी। हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी? राहुल मैं रिया बोल रही हूँ। रिया गौर जो इंस्टाग्राम पे मैं तुमसे बात हो रही है अभी एक दो हफ्ते से। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा अच्छा ठीक है। मैं ये बोल रही थी किधर हो अभी, भोपाल में हो या फिर बाहर हो? नहीं भोपाल में ही हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा एमपी नगर साइड। अच्छा एमपी नगर साइड, मेरा भी अभी उस तरफ आने का चल रहा है, मेरे को एक्चुअली न्यू मार्केट में कुछ काम है। तो मिल रहे हो क्या तुम आज? हाँ मिल लेंगे ना, कब तक आ रहे हो? मैं अभी अभी बज रहा है ढाई, मैं आऊंगी तीन साढ़े तीन तक लगभग। ठीक है मेरे को एक्चुअली ना डीबी से वो लेना है, लेंस कार्ड से चश्मा उठाना है, तो तुम उधर साइड मिल जाओ मुझे, मिल लेते हैं। ठीक है ओके चलो मैं आती हूँ ना फिर कॉल करती तुम्हें। ओके बाय बाय। तो गाइस इतने दिनों बाद घर में हरियाली आई। अरे मैंने वीडियोस में देखा है, वो नहीं बोलता है कि मोहल्ले में ऐश्वर्य आई, वैसे मैं हरियाली बोल रही हूँ। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और इस चीज से तो मैं याद आ रही है किसी चीज की। हाँ ये वही जैकेट है जिसमें हमने भोपाल में एमसी स्टैंड वाला वो करा हुआ था, मेरी फेवरेट है ये, गोभी पहनी गई थी। चलो गाइज अब चलते हैं फटाफट, और इससे पहले यार एक मतलब बैड न्यूज़ भी बोल सकते हो, और एक पता नहीं क्या ही मतलब इसको मैं क्या ही चीज़ बोलूँ गाइज। इससे पहले ना अभी मुझे राहुल से मिलने से पहले मेरे को हॉस्पिटल जाना है, मेरी बहन एक्चुअली एडमिट है, तो उसका मतलब वो एक थोड़ा सा सिचुएशन इस तरीके की है कि मतलब वहाँ जाना पड़ेगा, और कल वो एडमिट हुई थी। सो आई जस्ट वॉन्ट्स कि यार सब लोग प्रे करो कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए, और बस मम्मी और मैं फटाफट हम निकलते हैं, और हम लोग को मतलब उस तरफ ही जाना है जहाँ से मुझे राहुल से मिलना है। और बस यार मेरे को, मैं बहुत खुश थी जाने से पहले, लेकिन फिर ना जब मेरे को पता चला कि यार बहन के साथ ऐसा हो गया है, तो मेरा मतलब जितना मैं खुश थी ना उतना ही ज़्यादा मैं मतलब मेरे को बुरा भी लग रहा है, सैड फील हो रहा है। सो बस प्रे करो यार, बस प्रेयर्स है होती हैं यार इस टाइम पे ना पैसा काम आता है, इस टाइम में ना कुछ काम आता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल चीज़ होती है प्रेयर्स। सो प्रे फॉर माई सिस्टर यार कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और अभी मैं जाती हूँ पहले हॉस्पिटल, फिर चलते हैं राहुल से मिलने। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे गेम इन मॉल, और राहुल को मैंने ऑलरेडी पूछ लिया था कि तू किधर साइड है, तो उसने बोला कि यार मैं गेम इन मॉल साइड हूँ, और फिर हॉस्पिटल से ना मेरे को ये पास पड़ रहा था, मैंने बोला डीवी मॉल का काम मैं बाद में समझा लूँगी जाते टाइम, तो पहले मैं इससे मिल लेती हूँ, और इसके बाद मिल करके
पहले मैं इससे मिल लेती हूँ और मिल करके फिर बात करती हूँ कि क्या है, कैसा क्या सिस्टम है। गाइज गेम इन मॉल तो मैं आ चुकी हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये है कहाँ पे। तो ये देखो गेम इन मॉल भी अच्छा है यार, ये पता है बंद पड़ा था, मैं इसको फ़ोन लगा लेती हूँ क्या कह रहा है कहाँ ये। फ़ोन उठा यार। दूसरी बार लगाती हूँ यार, ये उठा भी नहीं रहा है फ़ोन। एक तो इतनी धूप हो रही है, बहन को छोड़ के मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, फोन नहीं उठा रहा यार, क्या हरकत है यार ये। हेलो हेलो, तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे थोड़ा दोस्तों के साथ आया था ना, मैं थैंक यू आई रहा हूँ। कॉल कर चुकी हूँ ना, ये मेरा फोन उठा रहा है ना, ये आ रहा है, पता नहीं यार मेरे साथ हमेशा शॉर्ट क्यों हो जाती है। लास्ट टाइम ही बताया, शायद तुम लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा मुझे याद नहीं है, ऑलमोस्ट हो गया होगा 6 से 7 मंथ। उससे पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था, उस टाइम ही मैं एक लड़के से मिलने जा रही थी, मतलब उधर से था कि मेरा भाई जैसा इधर सैवलॉन की एक्टिविटी में मिली थी मुझसे, लेकिन उसने इतनी बड़ी गुगली थी कि उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, और उसे शायद उसको कहीं जाना था तो फिर वो शायद चला गया। मेरे को डर लग रहा है कहीं ये भी ऐसी नौटंकी ना करे यार, क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है, मैं किसी भी लड़का लड़की से मिलने जाती हूँ ना वो मेरे साथ ऐसी चोट कर देते हैं। यार राहुल क्या नाटक है यार, तुम्हें आना है तो आ जाओ यार, मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, 5 बज गए यार। अरे तो तुम दोस्तों के साथ हो, फिर मेरे को क्यों बुलाया तुमने? यार दिमाग खराब का, बेवकूफ होते हैं क्या लड़के, तो थोड़ी खिसकी विस्की होती है क्या? अब ये फोन क्यों लगा रहा है यार, एकदम से तुम्हारा मुझे फोन आया है तो 2 दिन से भाई बात नहीं हो रही है कि हम मिलेंगे मिलेंगे करके। हाँ तो डेट फिक्स करी थी यार, तुम कॉमन से वो सब हटाओ, तुम्हें अभी मिलने का जो बोला था तुम्हें मिलना चाहिए था, क्या नौटंकी कर रहे हो यार। मैं तो 45 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया यार, खड़े खड़े यहाँ पे बेवकूफ हो गया मैं? मैंने कब बोला तुम बेवकूफ हो? अरे दिमाग खराब है यार साला, मैं कभी किसी के लिए इतना वेट नहीं किया, सच बताऊं तो। अरे यार अभी तुम हंस रहे हो, क्या करूं मैं, क्या करूं। अच्छा मैं यहाँ पे ब्लॉग वगैरह बनाने आई थी, तुमसे ये सब रिकॉर्ड करके डालने नहीं आई थी ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ बाहर। अरे तुम दिमाग खराब मत करो यार, चलो बाहर चलो चलो। अरे बेमतलब का नौटंकी यार, हट, ये नहीं होता यार, ये क्या नौटंकी है? तो तुम इतना क्यों छटा करी हो भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं, कुछ नहीं पीना मेरे को, मैं जिम जाती हूँ, मैं कुछ नहीं पीती। अरे तो ज्यादा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा यार तुम, मैं यार देखो सच बताऊँ ना राहुल, मेरी बात सुनो, मैं कभी ना मैंने किसी लड़के का वेट किया ना मैंने किसी लड़की का वेट किया, मेरी एक ही दोस्त है उससे मिलती हूँ, उससे काम करती हूँ हम लोग बस, तो मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं जाता हूं लड़कियों से। तुम मिलते हो यार, तुम्हें उसी दिन देखा था मैंने, 4 लड़कियों से घिरे पड़े हुए थे। कुछ भी मन को फोन लगाओ अभी, हाँ लगा लो, पूछ लो वो बता देगा। 4 लड़कियों से मैं मिलने नहीं गया कभी, तो वो तुमसे मिलने आएंगी क्या बताई होंगी? अरे यार अरे तो तुम लड़ाई दिखाओगी क्या? अरे तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये हाँ मैं सब डालती हूँ, जो चीज मेरे लाइफ में होती है ना सब चीज। ये मत डालना, ये कट कर, क्यों कट कर देना उनको, मेरी ऑडियंस को पता है कि रिया दीदी ना सब से मिलने गई है जिसका नाम राहुल है, जिसने उनको वेट कराया, तुमने मेरे को वेट नहीं कराया, हद है, वेट करवा रहे हो ऊपर से फिर तुम बोल रहे हो। ठीक है चलो, कभी चलता है यार, कभी कभी चलता है, चलो नहीं आई तुम्हें? हाँ तो फर्स्ट टाइम चलता है, ऐसा कर लेते हैं। अब यार मैंने जानबूझ के नहीं करा, मैं सीरियसली नहीं आया, मेरे को टूट गई होने 35 से 40 मिनट्स हो चुके हैं, मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, बहन की थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे जल्दी जाना भी है, तुम्हारे घर तुमसे मिलने आई हूँ, नहीं तो मेरा कुछ यहाँ पे काम नहीं था यार। अच्छा
अच्छा सॉरी। अरे डोंट से सॉरी, अच्छा नहीं लगता मुझे सॉरी वही सुनना है तो फिर क्या अच्छा लगता है मुझे सुनना। अरे छोड़ो, कुछ भी अच्छा लगता मुझे, ठीक है। ये सब चीज़ें दिखाओगी? हाँ, तो मैं, मेरी ऑडियंस को सब पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, और उनको पता है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ आज, और उनको ये भी पता चल गया कि तुमने मुझे वेट कराया। ये वाला काट देना। क्यों काट देना? क्यों नहीं कटेगा? अरे ये सब दिखाओगी क्या? तो क्या है इसमें, क्या है मतलब? अरे भाई मैं कितना गलत दिखूंगा? तुमने मुझे वेट नहीं कराया। तो मैंने जानबूझ के नहीं कराया। हाँ तो मैं कुछ नहीं बोल सकती ना, 45 मिनट्स लेट आए ना तुम, 4 बजे का टाइम था। बताओ अब, अगर तुमने मुझे एक दिन पहले बताया होता था कि मैं कल आने वाली हूँ, तो मेरे जो काम थे मैं वो नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए पर्टिकुलर आ जाता भाई, तुमसे मिलना है मुझे। चलो ठीक है, माफ किया तुम्हारा। अच्छा मैं बोल रहा था चले गई अब, नहीं मेरे को घर जाना है, मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, निकलूँ मैं, टाइम हो रहा है मुझे। थोड़ी देर एक काम करते, थोड़ी आस पास ही चल लेते, कहीं चलते हैं, नेक्स्ट मीट पे मिलते हैं ना, कल परसों मिलती हूँ। तो थोड़ा बहुत टाइम होगा, कहाँ जाना है? मुझे हॉस्पिटल जाना है, बहन एडमिट है, ये सिचुएशन नहीं होती ना, तो मैं मिल लेती, चल लेते हैं, ठीक है फिर मिलती हूँ मैं, चलो बाय बाय। और ये हो सके तो काट देने, क्यों काट कर देना, कोई कटवट। सो गाइस, राहुल से मिलकर मैं घर आ गई थी और आकर के सो गई थी, मेरे शक्ल से पे 12 बज गया, देख रहे होंगे, मैं थक गई थी फिर। और ये पहला लड़का है जिंदगी में जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना वेट किया, और फिर मैं घर आई थी ना तो उसके फ़ोन वोन भी आए थे, मैसेज वैसे भी आए थे कि तू पहुंच गई करके, तो मैं क्या, हाँ मैं पहुंच गई, टेंशन वेंशन मत ले। सो गाइस, अब ये मेरा दोस्त बन ही गया अच्छा सा, ठीक है, मेरे ज़्यादा कोई मेल फ्रेंड्स है नहीं, जितनी भी ऐसा फीमेल फ्रेंड्स है और हेमी है, मतलब 2-4 मेरी दोस्त है, निकिता वगैरह, तो बस यही है, और ये मेरा एक अभी अच्छा दोस्त बन गया है, और बस यही सीन है। अभी लास्ट 1-2 वीक से मेरी इससे बात बात हो रही है, अब मैं सोच रही हूँ गाइस जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँ ना, इस पर कुछ तगड़ा सा प्रैंक कर दूँ, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ने देखा ही है कि यार मैं प्रैंक वगैरह बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ, ठीक है, अपने भाई पर, फैमिली पर, सुमित पर, कितने ज़्यादा मैंने प्रैंक किए हुए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यार अब दोस्त तो बन गया है, ठीक है, अब दोस्त बन गया है तो उसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी ना, तो बस अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम मिलूँगी ना तो इस पर मैं कुछ प्रैंक वैंक कर दूँगी। तो गाइस चलो ठीक है, अगर तुम लोग को लगता है कि मेरे को प्रैंक करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे आइडियाज़ भी देना कि मैं इस पर क्या प्रैंक कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक ले गाइस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।